नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके सिंह स्टडी क्लास 10 में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विज्ञान के कक्षा 10 के, और ये हमारे हैं अति लघु जो आते हैं 2 नंबर के और एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हमें लिया हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हम साफ क्यों करते हैं। तो 11, 12 और 20 में आया हुआ इम्पोर्टेंट है, तो क्यों करते हैं। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूल कण नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक है। तो इतना इजी सा यह आंसर था, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, आप कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। 2017 में, 19 में और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो है, ये भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर CO2 तथा H2O के साथ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब इसका रासायनिक समीकरण तो जरूर देखना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण से हमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं एग्जाम में। तो C6H12O6 जो एक्वस, ये जो है हमारा ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, ये 6 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा देता है। तो इस तरह से इसको जो है आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो 18-19 में आया हुआ है। तो इसका अभिक्रिया है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर इज इक्वल टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर धातु, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 एक्वस प्लस Cu कॉपर, इन दोनों को हम अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा CuNO3 2 कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर धातु 2Ag। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, 2016, 19 और 20 में हुए, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप जल में अविलय पदार्थ, अवक्षेप किसको बोलते हैं जो जल में नहीं मिल पाते हैं, उनको हम अवक्षेप बोलते हैं। दोबारा देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, 2011 और 15 में आया हुआ है। तो लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से संचारित हो जाती हैं, अर्थात इन पर जंग लग जाता है, इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। पेंट ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में नहीं आने देता है, यानी कि आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे खिड़कियां वगैरह, इन पर पेंट कर देते हैं जिससे इन पर जंग ना लगे। जो पेंट होता है वो इसके संचरण को रोक लेता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, 2020 में आया हुआ है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि जब उत्पाद में और अभिकारक में जो हमारे अणु है, परमाणु है, उनकी संख्या जब समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम रासायनिक समीकरण
कहते हैं। जैसे कि इधर ऑक्सीजन के दो अणु हैं तो उधर भी ऑक्सीजन के दो अणु होने चाहिए, हाइड्रोजन इधर पांच अणु है तो हाइड्रोजन उधर भी पांच होने चाहिए, तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं के अणु जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए। तो विज्ञान की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल आरके स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।